रहा कहो दिन और रात अडाज सुबह आज दोपहर आज शाम आज रात आज बहुत रात में अली सलमान ब्रेक पे जाने से पहले हमने फखरे आलम से ये पूछा कि स्क्यूबा डाइविंग करते हुए अगर ऑक्टोपस आपने पूछा था यूएस ओपन वाली लड़कियां आ गई ठीक है ना ये सवाल था ब्रेक पे जाने से अच्छा ब्रेक पे आप आ गए इस पे आ गए स्क्यूबा डाइविंग पे फखर इज एन एक्सट्रीमली एडवेंचरस स्पोर्ट लवर है और फखर ने मेरा ख्याल है बंजी जंपिंग से लेके मंजी जंपिंग से लेके स्क्यूबा डाइविंग से लेके मतलब हर एडवेंचर स्पोर्ट किया है ना तो मतलब उसकी ये क्या ये शौक है पैशन है या कोई इसको कहते हैं ये खलल है दिमाग का क्योंकि बाज लोग तो बंजी और मंजी के दरमियान फर्क ही नहीं समझ पाते है ना कहीं से भी पूछ जाते हैं अच्छा अब आप बताएंगे कि ये क्या आपने आई एम एड्रेनालिन जंकी और फ्लाइंग इसको आसान उर्दू बता दें एड्रेनालिन की उर्दू आप बता दीजिए भाई का वो खलिया जो आपको मजबूर करता है कि बंदे का पुत्र बढ़ के नहीं रहना और जंकी होता है वो जंकी होता है ठीक है तो आई एम एडवेंचर स्पोर्ट लवर और खास स्काई डाइविंग हो स्कूबा डाइविंग हो बंजी जंपिंग हो वाटर स्पोर्ट्स हो या अपना क्या नाम है फ्लाइंग हो तो दीज आर ऑल माई पैशन आई लव डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स और आई डू दैट व्हेनेवर आई हैव द अपॉर्चुनिटी अब ये मेरे वारिस साहब कहते हैं ये तेरे दिमाग की खराबी है ये सही आपने बात करी ये उड़ते हुए जहाज से छलांग मार देना पैराशूट के साथ या ये किसी पुल के ऊपर जाके अपने आप को एक रोप से बांध के मतलब बंजी लाइन से बांध के कूद जाना नहीं बेटा ये कोई इंसानों वाला काम नहीं है ये अच्छा एक इंसान आपका दोस्त है जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक इंसान भी मेरा दोस्त है बड़ी अच्छी बात है आपने अच्छी बात बोली मुझे जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार है जिनका नाम है शोएब अख्तर ठीक है वो भी वो एड्रेनालिन जंकी है क्योंकि उन्होंने सुने नायग्रा फॉल्स से छलांग मार दी इज दैट राइट हैव यू हर्ड अबाउट इट यार आई हैव नो आईडिया बट अगर शोएब ने किया है वो कुछ भी कर सकता है भाई रियली शोएब कुछ भी कर सकते हैं वो कहीं से भी छलांग मार सकते हैं अच्छा आपके और शोएब अख्तर के दरमियान दुबई में कुछ मशहूर वाकियात हैं मेरे और शोएब अख्तर के दरमियान कुछ नहीं शोएब अख्तर मेरी तरफ ठहरे हुए थे जाना था उन्होंने एक मॉर्निंग शो होता था एक और चैनल के ऊपर नाम है ना बता दे नादिया के शो नादिया का नादिया खान का शो होता था मॉर्निंग शो उस पे शोएब ने जाना था और वो सुबह उठ के ना गए उस शो पे क्यों नहीं सुबह उठ सके इसका मैं जवाब नहीं दे सकता ना ही मुझसे सवाल कीजिएगा जरा शोएब भाई को लाइन पे लीजिएगा अच्छा शोएब भाई ऑलरेडी लाइन पे है लाइन पे रहते हैं हमेशा तो इसलिए मैं उस पर कोट नहीं कर सकता बट सुना है आप शोएब अख्तर बन के गए थे नहीं मैं नहीं गया था नादिया ने किसी स्पॉट को एक शोएब अख्तर की तख्ती बना के बिठा के उसका इंटरव्यू किया था विच बाय द वे आई पर्सनली बिलीव वाज नॉट अ नाइस थिंग टू डू तख्ती का इंटरव्यू किया था तख्ती का इंटरव्यू किया था तख्ती का किया था तो मुझे भी नहीं पता बट दैट वाज नॉट अ नाइस थिंग टू डू आई थिंक कमिटमेंट शोएब शुड हैव बीन देयर ए बट बी नादिया शुडंट हैव डन दैट बट वो उन दोनों का आपस का इंसिडेंट था आई रियली डोंट हैव एनीथिंग जो कुछ शोएब और नादिया के दरमियान हुआ वो तो एक मिस्ट्री है नादिया मिस्ट्री इज अ गुड डिजाइनर अच्छा मगर आपने कभी डिजाइनर बनने के बारे में नहीं सोचा नहीं अल्लाह का शुक्र है मैं एल्टन जॉन की गाने नहीं सुनता आप फास्ट बॉलर जॉर्ज माइकल के बारे में आप फास्ट बॉलर रहे हैं लेग स्पिन के ऊपर आपने कभी गौर नहीं किया कि आप लेग स्पिन कराते हैं बड़ी अच्छी मैं लेग स्पिन लेकिन मेरा हाथ सीधा हो जाता उसके बाद मैंने नोट किया ये अच्छा फकर नाउ बिकमिंग टू अ वेरी वेरी सीरियस थिंग फखर ने रिसेंटली खवातीन और हज़रात पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान हमारी जो कल्चरल रूट्स हैं हमारी जो हिस्ट्री है हमारी जो तहजीब है हमारा जो असासा है वो बड़ा डीप रूटेड है और हम जितना भी कोशिश कर लें इट इज़ टू सम एक्सटेंट इनसेपरेबल म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो दिलों को आपस में जोड़ती है फखर ने हिंदुस्तान में जाकर एंड आई वुड वॉन्ट फखर टू शेयर दैट विद अस फखर आपने एक प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्ट का नाम बाद में बताएंगे ये दिलों से दिलों को कनेक्ट करने का जो रिलेशन है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया समहाउ व्हेन वी टॉक इट्स अ लॉट ऑफ होस्टिलिटी एंड आई ऑलवेज बिलीव सजाद भाई का हम एक दिन इंटरव्यू कर रहे थे म्यूजिक इज बियॉन्ड बाउंड्रीज तो ये क्या प्रोजेक्ट था ये कैसे ख्याल आया एंड व्हाट इज इट अली इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट B3 बीट बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं कोई 8-9 साल से मैंने कोई एल्बम नहीं किया था तो कुछ दोस्तों ने काफ़ी अच्छे से मेरे कुछ दोस्त वगैरह जो कि नहीं यार यू नो एक तो म्यूजिकल अच्छा मैं बीट बियॉन्ड बॉर्डर्स यानी धड़कन बॉर्डर्स के पार एक्चुअली ताल की बात हो रही है अच्छा ताल ताल सरहदों के पार ठीक है ना तो ये है कि सुर ताल मेलोडी म्यूजिक इन चीज़ों को वीज़ों की जरूरत नहीं होती है और इस एल्बम पे मैंने कोलैबोरेट किया है 10 अदर इंडियन बॉलीवुड सिंगर्स के साथ अलका याग्निक रूप कुमार राठौड़ जावेद अली प्रीति मोहन कीर्ति सिंघाटिया मियांग चैंग वगैरह एक्सेट्रा 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 और एक एक गाना जो है एक एक आर्टिस्ट के साथ मैंने जो है गाया है और उसके हमने वीडियोज़ भी अभी शूट किए थे हाल ही में मैं अभी कोई महीना पहले इंडिया में था वीडियो शूट कर रहे थे और इस एल्बम की बात एक तो हम लोग पीस की तो बात करते ही रहते हैं हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करते हैं
बराबरी के साथ, तो मैं भी इसके बहुत हद पे हूँ कि बराबरी के साथ होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल बेसिस पे दोस्ती, हमेशा इक्वल बेसिस पे होता है। कभी भी ऐसी दोस्ती कोई नहीं चलती जिंदगी में कि जो इक्वल बेसिस के ऊपर ना हो, वो फिर दोस्ती नहीं होती, वो कोई अरेंजमेंट होता है या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है या कोई उम्मीद होती है, किसी को किसी से एक्सपेक्टेशन होती है कि ये शायद मेरी, अगर एक बड़ा आदमी छोटे आदमी से दोस्ती करेगा तो छोटा आदमी सोचेगा होगा कि यार ये मुझे कोई बेनिफिट देगा, और बड़ा आदमी ये होगा कि यार ये मेरे थल्ले लगा रहेगा, ये मुझे मतलब हमेशा मेरी जो है ना बाउंड्रीज में जाएंगे। सवाल आ गए, जब बड़ा आदमी छोटे आदमी से दोस्ती करता है तो छोटा आदमी उम्मीद से होता है, उम्मीद से। अच्छा, अब आप अच्छी वाली, हम सब उम्मीद से जी, बट दोस्ती भी बराबरी के साथ होनी चाहिए। बट इस एल्बम पे हमने क्या किया है अली, कि हम दोस्ती की बात नहीं कर रहे खाली, हमने इस एल्बम में जितने भी आर्टिस्टों ने कोलैबोरेट किया है, हमने डिसाइड किया था कि ये एल्बम साइमल्टेनियसली पाकिस्तान और इंडिया में रिलीज होगी, और इंडिया में रिलीज से जो भी सेल्स की जो भी रेवेन्यू आएगा वो रिकॉर्ड लेबल डायरेक्टली वहाँ पर, इस वक्त जो मुझे बताया गया है मेरी मैनेजमेंट ने इंडिया से कि सेव द चिल्ड्रन इंडिया जो फाउंडेशन है वो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड लेबल डायरेक्टली उनको दे देगा, और पाकिस्तान में आई एम करंटली जस्ट नाउ इसकी फाइनल स्टेजेस में हूँ, तो पाकिस्तान से जितना रेवेन्यू आएगा दैट विल गो टू अ पाकिस्तानी चैरिटी। एंड फिर अगले इस साल के अख्तिताम पर इन सारे आर्टिस्टों ने कमिट किया है कि दे विल गो ऑन अ वर्ल्ड टूर विद मी, माशाल्लाह। तो जो कॉन्सर्ट से रेवेन्यू जनरेट होगा वो इक्वली दोनों मुल्कों की चैरिटीज के अंदर जो है, यू हैव ऑलवेज मेड अस प्राउड। अच्छा, ये जो आपने बताया कि सेव द चिल्ड्रन, यहाँ पे केपीके में एक फाउंडेशन है सेव द चिल्ड्रन, खवातीन और हज़रात, उसके बारे में ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, मिस्टर फखरे आलम द लेजेंडरी मिस्टर फखरे आलम, जो कि एक थोड़ा सा ब्रेक लेकर, क्योंकि आर्टिस्ट जो है उसका टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त के साथ रिफाइन होता है, मचता है, ख़त्म नहीं होता, इस उम्मीद के साथ कि फखर जो है वो हमें उसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। एंड माशाल्लाह 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 Beat Beyond Boundaries is definitely one of the project that I'm very excited about. मैंने उसका वीडियो भी देखा है और आप YouTube पे देख लें, लेकिन the original one will always be better. छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो फखर हमारे साथ है। आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज रात और आज बहुत रात, आज पूरा हफ्ता अली सलमान के साथ।